धरसीवा में स्टील कंपनी में काम करने वाले मजदूर की कंपनी में हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों को कंपनी की ओर से कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया, जिससे परेशान मृतक की पत्नी ने अब धरसीवा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कंपनी में हुए हादसे में ग्रामीण गंभीर रूप से झुलस गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़िता का कहना है कि उसकी ग्राम पंचायत में कोई सुनवाई नहीं हुई, तब पुलिस थाने से न्याय की गुहार लगाई। आप कहाँ काम करते थे? निको में। क्या आपकी जमीन अधिग्रहण हुई थी वहाँ पर? हाँ। तो जमीन अधिग्रहण होने के बाद थोड़ा से दिली। जमीन अधिग्रहण होने के बाद आपके पति को नौकरी मिली? जमीन अधिग्रहण हुई थी ना आपकी? हाँ। आपके पति के कैसे मौत हुई वहाँ पर? आग में जल गया। कंपनी के अंदर? हाँ। फिर आपको कुछ दिया कंपनी में? नहीं। कितने दिन पहले की घटना है? होली के समय। होली के आसपास? हाँ, 11 तारीख। अभी क्या बोल रहा है कंपनी वाले? कंपनी वाला बोल रहा है कि मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा नहीं देंगे? हाँ। और आपने ग्राम पंचायत में संपर्क किया और सरपंच सरपंच वो लोग क्या बोल रहे थे? सहयोग किए वो? नहीं। तो ये हमने चर्चा की है, इनका कहना है कि कोई सहयोग किसी के द्वारा नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में भी इन्होंने सरपंच सरपंच चर्चा की, लेकिन इनको कोई सहयोग नहीं मिला है। और सरकार को चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाएं और ऐसे लोगों की मदद करें। स्वराज एक्सप्रेस के लिए धरसीवा से सुरेंद्र जी।